अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आर्थ्रोपोड बॉन डिजीजेस के बारे में। आर्थ्रोपोड बॉन डिजीजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोड के बारे में और आर्थ्रोपोड क्या क्या डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे पहले मॉस्क्यूटो मच्छर क्या क्या डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, वायरल इंसेफ्लाइटिस, एग्जाम्पल जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी इसका वैक्सीन आता है, EPI शेड्यूल में है। वायरल फीवर्स जैसे डेंगू, वेस्ट नाइल और वायरल हेमरेजिक फीवर्स में आते हैं, येलो फीवर, डेंगू, हेमरेजिक फीवर। येलो फीवर मोस्टली फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में होते हैं, मोस्टली हम लोग को याद रखना चाहिए पनामा जैसे फॉरेस्ट वाले रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अफ्रीका मोस्टली अफ्रीका में देखा जाता है येलो फीवर। अब मलेरिया में हम लोग याद रख सकते हैं चार टाइप के मेनली हैं, प्लास्मोडियम फाल्सिफेरम जो कि सबसे डेंजरस है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम ओवेल, प्लास्मोडियम मलेरी। इंसेफ्लाइटिस हाथी पाँव हिंदी में कहते हैं, बहुत बड़ा सा पैर हो जाता है होता है इसमें, क्योंकि होस्ट हैं जैसे विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टी, ये जाके इन्फेक्ट कर देता है। ये माइक्रोफाइलेरी जो होते हैं ये जाके लिम्फेटिक वेसल्स में जाके ऑक्लूड कर देते हैं वेसल्स को, उसके कारण फाइलेरियासिस हो जाता है। और मलेरिया का कॉजिटिव एजेंट कौन सा मच्छर करता है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फाइलेरिया करता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स और मैनसोनिया मॉस्क्यूटोज भी करते हैं फाइलेरिया। अब हम लोग बात करते हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई में टाइफॉइड और पैरा टाइफॉइड ये कर सकता है, जो जो हाइलाइटेड है येलो कलर से, येलो रंग के हाइलाइटर से, वो मेन हम लोग देखते हैं, वो मेन हम लोग पढ़ेंगे। हाउस फ्लाई टाइफॉइड एंड पैरा टाइफॉइड फीवर कर सकता है, कोलेरा कर सकता है, डिसेंट्री कर सकता है, डायरिया कर सकता है और गैस्ट्रो एंटेराइटिस कर सकता है और कुछ और चीज़ें कर सकता है, एमीबियसिस, हेलमेंथिक। ट्रैकोमा हम लोग याद रखेंगे, ट्रैकोमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रैकोमा एक और बात हम लोग याद रख सकते हैं कि नेपाल में ट्रैकोमा 2019 में पूरी तरीके से 100% उससे छुटकारा पा लिया है, ट्रैकोमा अब वहाँ नहीं होता। ट्रैकोमा किस कारण से होता है, बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस और एंथ्रेक्स जो कि जूनोटिक डिजीज़ है, ज़्यादातर गल घोटू कहते हैं हिंदी में, जानवरों को होता है ज़्यादातर कैटल्स को। सैंड फ्लाई के बारे में याद रखते हैं, सैंड फ्लाई काला जर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओरिएंटल सोर भी होता है और ओराइजा फीवर, ये तीनों प्लीज़ याद रखें आप लोग, काला जर, ओरिएंटल सोर और ओराइजा फीवर, ये है MCQ, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है सैंड फ्लाई इनमें से कौन कौन से डिजीज़ सैंड फ्लाई कॉज करता है। ये MCQ मैंने भी देखा है, काला जर, ओरिएंटल सोर और ओराइजा फीवर दिया हुआ था और कौन नहीं करता, एक और ऑप्शन था क्यू फीवर जो कि सॉफ्ट टिक करता है, याद रखेंगे। और अब बात करते हैं CC फ्लाई के बारे में, टी साइलेंट है CC फ्लाई, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है ट्रिपैनोजोमा ब्रूसियाई, इसके द्वारा होता है, इस प्रोटोजोआ के कारण होता है। और CC फ्लाई तो एक वेक्टर है, लाउज जो सिर पे हो जाते हैं जुएं, तो एपिडेमिक टाइफस कॉज कर सकता है ये, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, पेडिकुलोसिस, एपिडेमिक टाइफस और रिलैप्सिंग फीवर हम लोग याद रखेंगे ये दो। रैट फ्ली ये एक वेक्टर है, रैट फ्ली जो कि कॉज कर सकता है बुबोनिक प्लेग, एंडेमिक टाइफस, ये एंडेमिक टाइफस करेगा और लाउज एपिडेमिक टाइफस करेगा, याद रखेंगे। हाइमेनोलेपिस डायम्यूनिटा ये माइक्रो में हम लोग को पढ़ा था, हाइमेनोलेपिस नाना, और रैट फ्ली का नाम है जेरोपसाइलस, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो सकता है, माफ़ करिएगा, जेरोपसाइलस कुछ ऐसे ही था। और ब्लैक फ्लाई करता था ऑन्कोसर्कियासिस, ये अफ्रीकन बीमारी है और ये ब्लाइंडनेस का कॉज होता है, ऑन्कोसर्कियासिस जो कि ब्लैक फ्लाई द्वारा होता है। रेडविट बग चैगस डिजीज करता है, हार्ट टिक टाइफस करता है, कैनोसूर फॉरेस्ट डिसीज KFD बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ, हार्ट टिक क्या कॉज करता है, कैनोसूर फॉरेस्ट डिसीज KFD MCQ में बहुत बार आता है, मेरे सेकंड ईयर के यूनी में भी आया था ये MCQ में। और ह्यूमन बेबीसियोसिस कर सकता है, और सॉफ्ट टिक याद रखेंगे, हार्ट टिक करता है कैनोसूर फॉरेस्ट डिसीज और सॉफ्ट टिक करता है क्यू फीवर, और क्यू फीवर इसमें से मेन हम लोग याद रखेंगे। और ट्रॉम्बिकुलेट माइट स्क्रब टाइफस करता है, और इच माइट स्कैबीज इंपॉर्टेंट है, और साइक्लोप्स गिनी वॉर्म डिजीज करता है, और कॉकरोचेज के कारण इंटेरिक पैथोजेंस होते हैं कोलेरा,
टाइफॉइड ये सब बीमारियाँ कर सकता है कॉकरोचेस के द्वारा। और यही है, इतना ही है।